याद होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब हमने उसे यूज किया हो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही जी। कैसल सर, आवाज नहीं आ रही। हम बात कर रहे थे फॉर्म टैग की, तो फॉर्म टैग में ये जो एक्शन का काम है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये वो एक्शन है जिसने हमारे पास में डेटा फॉरवर्ड करना होता है उस लिंक पे, जिस लिंक के जरिए से ये डेटाबेस में जाएगा। और अगर इसमें ना आपने ये है कोशिश की है, ठीक है, इसी तरह गलतियां निकलती हैं, इंसान करता है। और अगर बाहर से देखा जाए ना, फॉर्म बिल्कुल अच्छा बना है। क्या है, वो वर्किंग में नहीं है। क्यों? क्योंकि डिव्स इस्तेमाल हुई है। ये जो चीज है ना, आपने याद रखनी, डिव क्या करती है, कोई हमें कंटेंट के लिए कंटेनर प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर हम कोशिश करते हैं, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने हमें ना पहला प्रोजेक्ट जो मिला था, मुझे पहले दिन मिला था, एक म्यूजिक वेबसाइट थी, हमें पहले दिन नहीं मिला था, मेरा ख्याल दूसरे के तीसरे दिन मिला। म्यूजिक ही सिंपल वेबसाइट थी, वन पेज वेबसाइट थी, और उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये टेबल्स ही बनाए हुए थे। टेबल बना के उसमें सॉन्ग का नाम लिखा हुआ था, दरमियान में सेंटर लाइन थी, तो मुझे नहीं था पता वो सेंटर में कैसे आती है। तो मैंने वो 100% बना के साइडों से सबको मार्जिन देने शुरू कर दिए थे, और वो सारी सेंटर लाइन। और उसे जब कॉपी करके दूसरे के कंप्यूटर में किया ना, उसका पीसी का साइज थोड़ा बड़ा था, वो सारे मार्जिन मिसप्लेस्ड हो गए, क्योंकि मैंने परसेंटेज में नहीं, मैंने पिक्सल में यूज किए हुए थे। पिक्सल क्या करता है कि अगर ये है कि 1920 पिक्सल की है, या फिर ये 4200 पिक्सल की है, ये अगर आ जाए ये 1080 पिक्सल की है, तो पिक्सल के हिसाब से साइज अगर चेंज होगा ना, तो वो पिक्सल मिसप्लेस्ड हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, दो तीन चीजें होती हैं, एक है पिक्सल, एक होता है परसेंटेज, और एक होता है ईएम। ये वो कह लें कि यूनिट्स होते हैं मार्जिन पैडिंग देने के, हम इनको यूज करते हैं। ये डिफाइन करते हैं कि हमारे व्यू पोर्ट के मुताबिक है, एक ईएम जो होता है ना, वो पॉइंट्स में दिया जाता है कि 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, या फिर 1.1 है, 1.2 है, 0.9 है, क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद हमारे पास परसेंटेज आ जाती है, वो स्क्रीन के लिहाज से कि इतने परसेंट दे दें। उसके बाद हमारे पास पिक्सल आ जाते हैं। पिक्सल तब इस्तेमाल होते हैं जब हमने ना किसी छोटे से कंटेनर के दरमियान में रहना, अगर हमारे कंटेनर की विड्थ डिपेंड करती है ना स्क्रीन साइज पे, तो हम कभी भी पिक्सल यूज नहीं करेंगे, हम परसेंटेज यूज करेंगे या फिर ईएम यूज करेंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना। उसके बाद सर नेस्टेड क्वेश्चन है इधर। डिव्स होते हैं, इसमें इन्होंने पहले डिव लगाया हुआ है, उसके बाद ये नेस्टेड डिव्स हैं, एक ये हम क्वेश्चन है अंदर सर डिव इधर। करेंगे। हाँ हेलो सर क्वेश्चन है इधर एक। जी सर। अच्छा सर ये क्वेश्चन ये है कि एक तो ये ईएम स्टैंड्स फॉर, और दूसरे नंबर पे ये आपसे कहना था कि क्लास जो है मेरा ख्याल है 5 बजे स्टार्ट हो जाती है। नहीं सर, आज थोड़ी सी लेट हो गई सर।
तो बेसिकली आप पढ़ा रहे थे, तो ड्यूरिंग क्लास जो है वो नहीं लिंक वो हम मतलब मैंने ना सिर्फ एक इनके ना ईमेल आई हुई थी ना, ये फाइल इन्होंने सेंड की थी, मैंने सिर्फ वो ओपन कर ली। अच्छा, वो तो ईमेल आपने शेयर नहीं की दरअसल, और वो मैं भी सेंड करना चाहता था मैंने लेकिन सर मैं वो उनके साथ नहीं शेयर की, ब्रॉडकास्ट के जरिए से। वो मेरा ख्याल था कि मैं यहाँ पे ना उसके बाद स्क्रीन पे लिख के बता दिया था, नहीं सर, मुझे नहीं क्योंकि फिर इन्होंने सबको भी ना इसीलिए ही पता है क्योंकि मैंने स्क्रीन पे ना राइट कर दिया था आपकी आसानी के लिए। ठीक चलो, इन केस है, अगर वेब दोबारा से राइट करते हैं सेल तो एट SSITP। यही ईमेल है। हाँ 1 मिनट। ठीक है सर, @SSITP ओके। ठीक है। और EM जो बेसिकली है, EM और PX, इसकी जो एब्रिवेशन है वो कभी यूज नहीं की, तो मुझे नहीं आइडिया है क्या है, क्योंकि PX और EM ये कह लेंगे बस हमें ना एक यूनिट दिया है जो कि हमने यूज करना है, और हम उसको यूज करें। इससे फर्क क्या पड़ता है कि हमें पता चल जाता है कि PM जो है वो सबसे बड़ा यूनिट है, क्योंकि हमें पॉइंट्स में देना पड़ता है, वो डिपेंड करता है स्क्रीन साइज पे। वो चलता है 1 के, अगर 1 है वो तकरीबन 50% स्क्रीन ले लेता है, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं पॉइंट्स में ताकि हम कम को भी यूज कर सकें। और ये आमतौर पर वहां पे यूज होता है जब हमारा CMS यूज हो रहा हो। जी विजिट के लिए, वालेकुम सलाम, विजिट के लिए। ओके, तो आपने सिर्फ याद रखना है हमने दो चीजें यूज करनी है, PX और परसेंटेज। EM सिर्फ तब यूज होता है जब हम CMS में यूज कर रहे हो, जैसे कि है वर्डप्रेस डेवलपमेंट में एलिमेंटोर पे हम काम करेंगे ना, वहां पे हम EM और आवाज नहीं आ रही सर, और माइक मेरा ख्याल से म्यूट पे चला गया आपका। में हमने सबसे पहले मेन डिव लगानी है जो उसके बाद फॉर्म का टैग डालना है, उसमें हमने ऐड कर देना है एक्शन जो कि हमारा लिंक होगा। इसमें ना अगर आपने टेस्टिंग के लिए जाना है तो एक डमी लिंक W3School ना हमें प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए से ना हम अपना डाटा उस पर सेंड कर सकते हैं, और वो हमें दोबारा से प्रीव्यू करवा देता है कि वो किस तरह से है। ये action.php, अब इसको हम लगाएंगे कैसे? अब ये एक्सटेंशन है इनकी ही वेबसाइट पे, तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी वेबसाइट का लिंक वो लेंगे URL, क्योंकि आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे इन्होंने स्लैश लगा के सिर्फ पेज का नाम लिखा हुआ है जो कि PHP से रिलेटेड है। PHP में फंक्शन क्या है कि हम जो भी इस पर डाटा सेंड करेंगे वो हमें प्रीव्यू करवा देगा कि हमने क्या डाटा सेंड किया है।
जैसे एफ नेम क्या था और लास्ट नेम क्या है, ये हमें सिर्फ प्रीव्यू करवाने के लिए है। अगर हम यहीं पे वो चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट ऐड करते हैं, इन सबको डिलीट करते हैं। में भी टेक्स्ट आ जाए। अब इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर हमने इनपुट को लेबल के साथ अटैच करना हो तो हम क्या चीज यूज करेंगे, याद है आप लोगों को? किसके अंदर? जी, हम जो भी यहाँ पे अपनी इनपुट फील्ड का नेम सेट करेंगे वो हम अटैच करेंगे लेबल के फॉर के साथ। ये क्या करेगा कि जब हमने फॉर्म सबमिट करना है तो बैकएंड पे ये डाटा सेंड करेगा कि ये लेबल इस फॉर्म इनपुट फील्ड के रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पे ही देखें ना, ये जो चीज यहाँ पे शो हो रही है ना, एल नेम और एफ नेम, ये यहाँ पे फॉर्म में लिखी हुई है नेम के अंदर। अगर हमने आगे सेंड करना है ना तो ये नेम बहुत जरूरी है, अगर इसके बगैर सेंड करेंगे सिर्फ वैल्यूज जाएंगी, वो डिफाइंड नहीं होगी कि वो किस फील्ड में जा रही है। तो ये नेम जो है ये बहुत जरूरी है इनपुट फील्ड का। सेम चीज आ गई। ये क्या करने के लिए हमने उनका सिर्फ एक पीएचपी का एक एक्शन बना हुआ है, उनके पीएचपी में एक फंक्शन पहले से सेट है कि हम जो भी उस पर डाटा फॉरवर्ड करेंगे ना वो हमें प्रीव्यू दे देगा उसका। तो हम ये क्या करते हैं, अपना कोई भी फॉर्म टेस्ट करने के लिए इस तरह के जो डमी पेजेस होते हैं उनको यूज कर लेते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा डाटा सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो जा रहा है तो हमारा जो डेटा फील्ड्स के नेम है वो करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और ये अलग, अगर आप देखें ना यहाँ पे ये एंड एक अटैच है, ये क्या करता है, ये सेपरेट करता है हमारी वैल्यूज को। हमने जितनी भी वैल्यूज भेजनी होती हैं ये एंड उसको अलग से भी सेपरेट करता है डिफरेंट। और ये अगर हमारे पास वापस रिटर्न उसकी वैल्यूज आ गई हैं, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही है। फॉर्म के अंदर आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आज बेसिकली हमने उसको प्रैक्टिस करना था कि हमने टैग तो कंप्लीट कर ली है, अब सिर्फ प्रैक्टिस रह गई है। तो अगर 2-3 लैपटॉप हो जाते हैं, आप भी ले आए तो आप परफॉर्म करें। करना क्या है, HTML रेफरेंस में उनके जो जो हमने किए हैं वो सारे आपने यूज करने हैं। हमने क्या, उसके बाद CSS जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल और इनलाइन हमें यूज करनी है। उसके बाद मार्जिन और पैडिंग के जरिए से उसको सेंटर में करना है। अगर उसके बाद समझ नहीं आती तो वो फिर हम ऐड करेंगे। स्क्रीन शेयर करने की है ऑप्शन आपने मतलब एक्टिव की है? मैं जी सर, स्क्रीन शेयर करने की ऑप्शन आपने एक्टिव की हुई है? नहीं सर वो एक्टिव नहीं है अभी। अगर आप करना चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ एक्सेस। हाँ जी, मैं थोड़ा सा काम किया था, जितना आपने करवाया था वो मैं दिखाना चाहता था। ओके, मैं आपको एक्सेस शेयर करता हूँ। आप शेयर करें। जी, 1 मिनट में करता हूँ शेयर।
अगर आपने वो कोड देखा है ना, ये फाइल का, फाइल का, इसे आपने एक चीज समझनी है कि हमारे पास अगर एक भी टैग होगा ना, हम उससे हर चीज परफॉर्म कर सकते हैं। इनपुट टैग में टेक्स्ट टैग से हम हर चीज परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं करते, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें, उसमें डिफरेंस कर सकें कि ये अगर यूजर से डाटा आ रहा है या हम डाटा ऐड कर रहे हैं, तो ब्राउजर को बता सकें कि ये डाटा की वैल्यू क्या है या फिर इसकी टाइप क्या है, हम चेंज कर सकें। आपने परफॉर्म किया था कुछ ऐड भी? अच्छा, जी शेयर हो रहा है जी। क्या चीज? ये लिंक मैंने वहां से कॉपी किया है। शेयर हो रहा है जी आपके पास? ये मैंने एक पेज नहीं शेयर किया सर, था। ये हो गया जी। जो सर आपने प्रोग्रामिंग विद सी ओपन कर लिया। हाँ जी, ये एक पेज मैंने बनाया था, गेटिंग स्टार्टेड विद सी। इसमें ये फर्स्ट जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ये मैंने हेडिंग दी है H1, और ये उसके देखिएगा ना, बाद इन्होंने ना एक फाइल क्रिएट की है, इधर देखिएगा। बताइएगा अपने फाइल के बारे में। जी बिल्कुल, ये एक पेज मैंने बनाया है। इस पेज में मैंने मतलब पहले तो ये हेडिंग दी है H1, गेटिंग स्टार्टेड विद सी, और उस हेडिंग को मैंने टेक्स्ट लाइन, ये मतलब स्टाइल मैंने किया था इसके अंदर ही, मतलब HTML के ऊपर हेड वाले सेक्शन में जी, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया था। इसका जो कलर था, यानी कि जो टेक्स्ट का कलर, वो व्हाइट कर दिया था। बैकग्राउंड कलर्स जो है ये मैंने चूज कर लिए थे, जो हेक्साडेसिमल में होते हैं ओके जी। आप सिंपल कलर भी यूज ना। कर सकते हैं इसमें ना, हम कलर टूल्स बेसिकली यूज करते हैं, हाँ जी, कोड करते हैं अलग अलग हर और इसकी जो पैडिंग थी वो मैंने 20 पिक्सल कर दिए जी। जगह। ये दिखाइएगा इनका, इसका बैकएंड ओपन करिएगा। यहाँ पे ना सोर्स कोड ओपन कर लें सर, ऑप्शन हो कंट्रोल। नजर आ रहा है जी सोर्स कोड? ये यहाँ पे इन्होंने ना ये कलर कोड यूज किया, ये हैश कोड्स होते हैं बेसिकली। हम कलर का जी नेम लिखते हैं ना, तो हमें नेम कितने 10-15 याद हो जाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास ना एक एक्सटेंशन होती है, इसको कहते हैं कलर जिला बेसिकली। एक एक्सटेंशन है, इस पे क्लिक करके हम जिस भी पॉइंट चीज पे पॉइंटर लेके जाएंगे ना, उसके कलर कोड हमें बता देगी। कलर कोड, हैश कोड्स भी हो सकते हैं, RGB कोड्स होते हैं हमारे पास। और इनका फायदा क्या होता है, जब हम हैश कोड यूज करते हैं ना, हम इसमें उनकी क्या कहते हैं, हमें विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, कई बार एक साइड से जो हमारा बटन शो हो रहा है, वो दूसरी साइड से कलर वाइट हो रहा है इस तरह से, या फिर उसका ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करना है, वो भी हम हैश कोड्स के जरिए यूज करते हैं। तो इसलिए मोस्टली जिन्होंने भी कलर यूज करना होता है ना, नाम एक बार आप स्टार्ट कर देते हैं ना वेबसाइट क्रिएट करना, अब नाम कभी भी कलर का यूज नहीं करते हैं, अब कलर कोड हमेशा यूज करते हैं, क्योंकि उससे हम ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो है ये मैंने मतलब टेबल जो था हमारा टैग, उसको मैंने टेक्स्ट लाइन किया सेंटर, उसकी विड्थ कर दी 100%। ओके
जो फ़ॉन्ट साइज था वो 20 पिक्सल कर दिया मैंने। इसमें ना नीचे जाने दो, ड्रॉप डाउन नीचे कर लें। ओके ओके, जीरो डी, ओके अब इन्होंने क्या किया है कि H2 के अंदर भी फिर बाद में लिस्ट लगाई हुई है डिफरेंट। अब लिस्ट हमारे पास लिस्ट जैसे कि दो तरह से, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, इनमें फर्क क्या होता है आप बताएं, आप अनऑर्डर्ड कुछ क्वेरी देखो अनऑर्डर्ड रेस्पॉन्स अच्छा। आप बताएं, आपने प्रैक्टिस नहीं ना की हो जाएगी, कुछ नहीं पढ़ा हो, फायदा कोई नहीं ऐसे कर, क्योंकि जैसे हमने आगे बढ़ते जाना है ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फायदा। अब बताइए ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में फर्क है, ये तो उसका टैग है ना, उनमें डिफरेंस क्या है, हम क्यों यूज करते हैं यू एल ओ, काम तो दोनों का लिस्ट क्रिएशन है। अगर हमने डॉट ना लाना हो तो हम यूएल यूज करें। ऑर्डर लिस्ट में सीक्वेंस आता है, हमारे बुलेट पॉइंट्स का ना सीक्वेंस आता है, वो चाहे एबीसी हो सकता है, वो रोमन गिनती हो सकते हैं, वो 1 2 3 हो सकती है, जबकि जो हमारी अनऑर्डर लिस्ट होती है उसमें हमारे जो बुलेट्स होते हैं वो कह लेंगे आइकन्स की तरह के होते हैं, जिनमें कि ऊपर आ जाए नीचे आ जाए, वो सारे जितनी लिस्ट होगी उन सबका आइकन सेम होगा, वो डिफरेंट नहीं कर रहा होगा, वो आइकन चाहे एरो का हो जाए, चाहे वो गोल दायरा हो जाए, पॉइंट हो जाए, कुछ भी हो, वो सब में सेम ही होगा, वो अनऑर्डर लिस्ट में आ जाती है जिनमें कि हमें ऑर्डर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम किसी का रोल नंबर लिख रहे हैं ना लोगों का, तो हमें ऑर्डर लिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो इनमें डिफरेंस याद रखना है, OL और UL ये इनके टैग्स हैं, ये डिफाइन नहीं करते कि इनके क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ओके ये सर आपने सब टैग लगाया और सुब टैग लगाया, इनका जरा बताइएगा। जी बिल्कुल। अगर हमने किसी भी चीज़ को, किसी हिंसे को या किसी चीज़ को बेस बना के लिखना हो, जैसे कि हमारे केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि अभी जी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है H2SO4, तो उसमें जो टू है या SO के नीचे फोर है वो सबस्क्रिप्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और सबस्क्रिप्ट के लिए हमें लिखना पड़ता है, ये सब टैग इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह जब हम मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूला यूज करते हैं, जिस तरह a - b होल स्क्वायर या a² + b² वगैरह, तो ये पावर बनाने के लिए है। जो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जनरेट जी करने के लिए यूज है सिर्फ, हाँ जी। यानी कि अगर और आपने देखा हो ना कि कॉपीराइट का टैग लिखा होता है, सी टॉप पे लिखा होता है कॉपीराइट का, और कई बार जो हमारा केमिस्ट्री, सिर्फ केमिस्ट्री में आता है या फिर हमारे मैथ्स में आता है, 2 की पावर नीचे लिखी होती है वो सबस्क्रिप्ट होती है, जो ऊपर आती है वो सुपरस्क्रिप्ट होती है, और रजिस्टर्ड का R भी हमारा टॉप पे लिखा होता है, तो हमारा सुपर स्क्रिप्ट तो यूज होता है लेकिन सबस्क्रिप्ट इतना यूज नहीं होता है। और अगर हमने यूज करना हो ना तो ये टेक्स्ट जो है ना हमें ये लिखे भी मिल जाते हैं, जैसे कि बोल्ड टेक्स्ट हो ना, हम टेक्स्ट जनरेटर एक ऑनलाइन टूल्स होते हैं जिनसे हम इस तरह के टेक्स्ट जो है ना कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वो भी डायरेक्ट लग जाएंगे, लेकिन हमारे पास टैग अवेलेबल है। मैंने जैसे आपसे कहा था हमारे पास टैग 100 से 200 टैग्स हैं, लेकिन हम वो टैग्स को कह लेंगे परफॉर्म करते हैं जो कि हमारे मोस्टली यूज हैं, क्योंकि हमें उन्हें याद करना है, उनके सिंटैक्स को याद करना है, ताकि हम जब भी उन्हें यूज करें हमें पता हो कि हम क्या यूज कर रहे हैं। लेकिन हमने प्रैक्टिस तकरीबन 50 की मिनिमम है, 50 टैग्स मिनिमम आपको पता होने चाहिए कि प्रैक्टिस किए हुए हैं, क्योंकि अभी देखें एक सब इन्होंने एक नया टैग यूज किया है, अगर आपने देखा, अगर नहीं पता है, प्रैक्टिस नहीं की तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा ये उन्होंने क्यों लगाया है, हो सकता है ये सब्ट्रैक्शन का आप समझ लें, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इस तरह के टैग्स आपको पता होने चाहिए। हमारे भी टीचर ने ना, ये वो टैग्स हैं जो कि स्किप कर दिए जाते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस में इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ ये प्रैक्टिस किए जाते हैं, ये कभी भी ना कोर्स के अंदर इनकी इतनी वैल्यू नहीं समझी जाती,
ये अगर हम बहुत कम लोग हैं जो कि क्रिएट करते हैं ब्लॉग वेबसाइट या फिर एजुकेशनल वेबसाइट। एजुकेशनल वेबसाइट दुनिया के सबसे कम रैंक वेबसाइट्स कह लेंगे आप, उनमें बहुत कम वेबसाइट्स होती हैं जो कि रैंक करती हैं एजुकेशन के मुतालिक। और जिसको भी एक वेबसाइट अगर मिल जाती है ना कि उससे आपको अच्छा डाटा मिल रहा है पढ़ाई के मुतालिक, तो हर बंदा दोबारा भी उसी पे ही जाएगा, नई वेबसाइट तलाश नहीं करेगा जब तक के उसको पुरानी वेबसाइट से वो डाटा नहीं मिलता। अब ट्यूटोरियल्स पॉइंट एक वेबसाइट है, मुझे जब भी प्रॉब्लम होती है ना अपने स्टडीज के मुतालिक, मुझे वो याद हो गई थी और हर बार मैं उसी पे जाके सर्च करता था। और मैं सर्च करनी है तो वो नीचे भी आ रही है ना, मैंने जाके उसको ओपन करना है। दूसरी होगी जिक्स फॉर जिक्स, जावा पॉइंट एक तरह है वेबसाइट है, ये वो वेबसाइट है पढ़ाई के मतलब जो कि रैंक्ड हो चुकी हैं। तो ये इनके कम यूज होने का सिर्फ एक मकसद है, एक वजह है कि ये इस तरह की जो वेबसाइट है वो भी कम यूज रैंक होती है, स्टूडेंट जो कि इसको क्लिक करते हैं पढ़ाई के मतलब वो कम होते हैं। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिएगा। ओके, ये एड्रेस का एक टैग होता है, इसमें हमने एड्रेस बताने के लिए कि हमने ब्राउजर को बताना है कि ये हमारा एड्रेस है बेसिकली। इसमें ना एक चीज यहाँ पे इन्होंने शायद ऐड की थी, थोड़ा सा ऊपर करिएगा सर, स्क्रॉल अप करें, टी एच, ये आपने ना सिर्फ याद रखनी, ये भी एक इम्पोर्टेंट था जो कि स्किप हो गया। टी एच क्या करता है, टेबल हेडिंग जनरेट करता है। अगर हमने अगर एक टेबल क्रिएट करना है तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल जनरेट करते हैं, उसके बाद टी आर को जनरेट करते हैं जो कि टेबल रोज है। रोज हम जितनी चाहिए हम टी आर उतनी जनरेट करते हैं, उसके बाद उसका आ जाता है टेबल डाटा। टेबल डाटा जनरेट करने के बाद अगर हम उसमें टेबल हेडिंग देना चाहते हैं, एक तो है कि हम सिंपल क्या करें कि जो हमने टीडी लिखी है उसको बोल्ड कर दें, या फिर उसमें हेडिंग टैग उसको इनक्लोज कर दें हेडिंग टैग के अंदर, तब भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम उन्हें सेपरेटली टी एच लिख देते हैं ना, तो ये भी एक तरीका है उन्हें एक हेडिंग बनाने का। वैसे जो टेबल होता है ना, जब हमने टेबल लिख दिया है तो वो पूरे एक टेबल के तौर पर ही गूगल ने रैंक करना है, और हमने भी जब भी देखना है उसको एक टेबल के तौर पर ही देखना है। टी हेड का मकसद सिर्फ ये है कि वो बैकग्राउंड के लिए सेपरेट करता है हेडिंग्स को। लेकिन अगर हमने यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना, उसने टेबल हेडिंग को भी सिर्फ बोल्ड टेक्स्ट के तौर पर लेना है तो वो बोल्ड हो। हमने इसके बाद भी ना जब उस पर सी एस एस परफॉर्म करनी है तो हम उस पर टी एच को टारगेट कर लेते हैं, जबकि हम आई डी और क्लास के जरिए भी इसको टारगेट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ये आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दें। हाँ जी, ये एक और चीज़, ये मैंने होवर लगाया था, आपने होवर का बताया था ना, ये जी मैंने, हाँ जी, टेबल रोज पे लगाया है ये। ये मैंने आपको ना फंक्शनैलिटी इनकी बताई थी, जी एक है होवर, एक्टिव, फोकस्ड, ये ना इनकी फंक्शनैलिटी होती है जो कि कोलन के साथ हम लगाते हैं। हम क्या करते हैं कि ना ओके शेयर करता हूँ। ओके, इसमें अगर हमने फंक्शनैलिटी के तौर पर लगाना है ना, इसको कहते हैं स्टेट। हमारी कोई भी फील्ड होगी, हमारा कोई बटन होगा, हमारा कोई भी टैग होगा, उसकी स्टेट्स हो सकती हैं डिफरेंट। एक है कि वो डिसेबल्ड है, ये एक उसकी स्टेट है जो कि हम इन इस टैग के अंदर लगाते हैं। हम जिसको भी डिसेबल्ड करना चाह रहे हैं ना, डिसेबल्ड, अगर वो डिसेबल्ड हो सकता है ये फॉर्म, सॉरी उसमें हम डिसेबल्ड का क्या करेंगे, एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे। ये क्या करेगा, उस फील्ड को डिसेबल्ड कर देगा। ये एट्रीब्यूट के तौर पे इस्तेमाल होता है, ये भी उसकी एक स्टेट है। उसके बाद हमारे पास दूसरी स्टेट होती है होवर की। होवर जो
जो करते हैं ना हम वो करते हैं, एक तो जावास्क्रिप्ट में अगर हमने कोई एनिमेशन परफॉर्म करनी हो तो हम होवर की स्टेट को यूज करते हैं, अगर हम को सिंपल सीएसएस देनी है कि उस पर जब हम माउस लेके जाएं तो उसका बोल्ड हो जाए, साइज चेंज हो जाए, सेम सीएसएस जो हम सिंपल परफॉर्म करेंगे हम सिर्फ कॉलन डाल के इस पे होवर ऐड कर दें, सिंपल होवर, इस पे होवर लिख के हम जो भी सीएसएस इसको परफॉर्म करेंगे वो तब तक यूज नहीं होगी जब तक उस पे माउस नहीं जाएगा, जब हम माउस उस पे लेके जाएंगे तो वो सीएसएस जो होगी ना वो परफॉर्म होगी। उसके बाद हमारे पास एक और स्टेट होती है फोकस्ड की, अगर अगर मैंने इस पे क्लिक किया है ना और इस पे कर्सर है ये फोकस्ड है, अगर मैं इस पे टैब दबा के अब सबमिट पे जा चुका है ना, सबमिट पे गिर देगा, कह लेंगे बॉर्डर जनरेट हो गया, क्या है ये अब फोकस्ड है, इस पे अब मेरा कर्सर है, अगर मैं एंटर करूंगा ना तो ये बटन प्रेस हो जाएगा, इसको फोकस्ड स्टेट कहते हैं। उसके बाद एक ऑटो फोकस होता है कि जैसे ही पेज लोड हो वो कीवर्ड वो बॉक्स ना फोकस्ड हो जाए, लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि हमारा पेज लोड होने के बाद अगर कोई हमने पॉपअप लगाया हुआ है तो यूज हो सकता है, वैसे हमने सिर्फ जो परफॉर्म करनी होती है वो दो, होवर और फोकस्ड को परफॉर्म करना है, कि अगर यूजर हमारे इंटरेक्शन कर रहा है कंटेंट के साथ तो हम उस सीएसएस को परफॉर्म करें। उसके बाद अगर हमने जावास्क्रिप्ट यूज करनी है वो होवर की स्टेट को लेते हुए यूज कर। ओके तो ये हमारा फॉर्म में, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, सेम चीजें करनी है हमने, कंटेनर जनरेट करना है, मेन कंटेनर है, डिव के लिहाज से यूज करना है, डिव के अंदर इंक्लोज्ड करने का फायदा क्या होगा, जब हम उसको साइडों से मार्जिन देंगे और हम उसको पैडिंग वगैरह देंगे ना तो वो डिव को के अंदर रहते हुए वो सारे पैडिंग और मार्जिन आएंगे, वो बाहर का जो कह लें कि स्क्रीन साइज के साथ अटैच नहीं होगा, हम अगर डिव को मार्जिन पैडिंग देते हैं ना उसके अंदर हम फॉर्म को बाद में मार्जिन पैडिंग देंगे, मार्जिन देने के बाद उसके साइडों से जितनी भी साइडों से मार्जिन होगा वो सेंटर अलाइंड हो जाएगा, उसके बाद हमारे जो सेंटर में फॉर्म है उसको हम मार्जिन देंगे तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा इतना, तो हम इनक्लोज करते हैं हमेशा बाहर वाली डिव के अंदर हर सेक्शन को इनक्लोज करते हैं, और अगर हमने इनपुट को यूज करना है तो फॉर्म यूज करेंगे, फॉर्म के अंदर इनपुट वैल्यूज को करेंगे इनक्लोज, अगर हमने टेबल रोज टेबल डाटा यूज करना है तो टेबल टैग के अंदर इनक्लोज करेंगे, ये वो कह लें कि मेजर टैग्स होते हैं जिनके अंदर जो सब लेवल के टैग्स होते हैं वो इनक्लोज होते हैं, और इनका ये सिंटैक्स है। मेरा ना प्रैक्टिस करवाने का सिर्फ एक मकसद था कि आपको सिंटैक्स याद हो सके, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना इनपुट और ये मेरे पास एक जनरेट हो गया है, ये मेरी आसानी के लिए है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि इसमें कौन से एट्रीब्यूट आने हैं, कि अगर आपने कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट वगैरह देना पड़ जाता है या फिर आपको ऑनलाइन अगर किसी एडिटर में आप उसमें एडिटिंग कर रहे हैं ना वहाँ पे ये नहीं चल सकते पैकेजेस, तो हम क्या करते हैं हम ये सिंटैक्स याद करते हैं, सिंटैक्स याद करना बहुत जरूरी है, और एट्रीब्यूट कौन कौन से लग जाते हैं, जब भी हम किसी भी टैग के बारे में बात करते हैं ना उसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं कि वो क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है, अगर इसके ये तीन एट्रीब्यूट्स है ना तो हम इसको इसकी फंक्शनैलिटी कहेंगे, इसकी टाइप चेंज हो सकती है ये एक फंक्शनैलिटी है, बैकएंड पे इसको एक नेम असाइन किया जा सकता है डेटाबेस के लिए, ये किसकी फंक्शनैलिटी है कि ये हमारे जितनी भी यूजर से इनपुट आ रही है उसको डिफ्रेंशिएट करेगा, और तीसरी फंक्शनैलिटी क्या है हम आईडी दे सकते हैं जो कि हमें सीएसएस में सिलेक्टर यूज करेंगे, इसकी फंक्शनैलिटी है, एट्रीब्यूट्स और भी हो सकते हैं, हर टैग के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्म में लगाऊंगा ना डिसेबल्ड ये इसका एट्रीब्यूट नहीं है इसलिए ये नहीं चलेगा, लेकिन इनपुट में डिसेबल्ड लगाऊंगा तो चल जाएगा क्योंकि उसको उसका एट्रीब्यूट है, तो इसलिए जी
ये डिसेबल कर देता है वैल्यू को, इस पे क्लिक नहीं हो सकता, ये डिसेबल्ड है। अगर बटन को हम कर देंगे डिसेबल्ड तो क्लिकेबल नहीं रहेगा, नहीं तब भी, क्योंकि हमने इस पे वैल्यू कोई नहीं लगाई, इस पे जावास्क्रिप्ट नहीं लगाई, इस पे वैलिडेशन नहीं लगाई, हमने सिंपल कहा है कि ये फील्ड डिसेबल्ड, हमने सिंपल कह दी, ये कभी भी इनेबल नहीं होगी जब तक कि हम उस पर एक चेक ना लगा दें, हम इफ एल्स की इस पे ना स्टेटमेंट यूज करेंगे कि अगर वो सारा फॉर्म फिलअप कर देता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ से कुछ सिलेक्ट करे तो नेक्स्ट दिन हमारी जो वैल्यू है वो ओपन हो। ऐसा हो सकता है कि आपने अगर देखा हो कई बार ऐसा होता है कि हम एक फॉर्म में सबसे पहले मेन क्लास क्लास के लिए ले लेते हैं कि सबसे पहले हम सेशन को सिलेक्ट करते हैं कि हम सेशन कौन सा यूज करेंगे, उसके बाद हमारे क्लास कौन सी है वो सिलेक्शन होती है, उसके बाद हम कोर्स को सिलेक्ट करते हैं, ये वन बाय वन डिपेंड कर रहा होता है। अगर सेशन चेंज करते हैं क्लासेस चेंज हो सकती हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज चेंज हो जाती है, डिपेंड करती है कि हमने बैकएंड पे क्या सिलेक्ट किया है। ऊपर वाले टैग में हो सकता है कि अगर हमने सेशन जो सिलेक्ट किया है उसमें कोई भी हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, कोर्स या क्लासेस अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे हम उसको तब तक के लिए डिसेबल कर सकते हैं ताकि यूजर सबसे पहले जाके ऊपर वाले इनपुट फील्ड को फिलअप करें उसके बाद नीचे आए। ये इफ एल्स की स्टेटमेंट लगती है जो कि अटैच हो जाती है एचटीएमएल के साथ। लेकिन नहीं, वो फोकस है, वो होवर नहीं हो सकता, होवर वो चीज है जिसपे माउस है, अगर टच डिवाइस है, टच डिवाइस है, टच डिवाइस पे होवर नहीं चल सकता, क्योंकि उस पे हमने अगर उंगली ऊपर लेके भी जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो होवर नहीं चल सकता वहां पे हमारा सिर्फ क्लिक चलेगा, या फिर वो ऑटो लोडेड है, यानी कि हम ट्रांजिशन लगा सकते हैं, एनिमेशन, सीएसएस में ना एनिमेशन भी है, जब हम लोड होके पेज हमारे पास आए तो टेक्स्ट जो है वो इधर से घूमता हुआ आ जाए, तो ये एनिमेशन लगती है, बाद में हम एनिमेशन पे भी काम करें, तो एनिमेशन तो लगा सकते हैं हम, लेकिन हमने जो ज्यादा हमारा फोकस होता है ना वो बेसिकली मोबाइल डिवाइसेस पे होता है कि हमारा जितना भी वेबसाइट का कंटेंट है वो मोबाइल डिवाइस पे कैसे शो होगा। हमने ना ये इस वीक में HTML, CSS inline और CSS internal ये कंप्लीट करनी है, और ये अब सिर्फ प्रैक्टिस पे है। मैं अगर आपको टैग्स बता भी दूंगा ना, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे फायदा नहीं है। आपको कुछ समझ नहीं आ रही आप मुझसे शेयर करेंगे, आप वो तलाल भाई था ना, वो सुबह भी आते हैं, उनको इमेज के टैग में वो ना फंसे हुए थे, किसी वजह से ना लग नहीं था रहा, लेकिन दो तीन बार प्रैक्टिस किया, मैं भी यही था, तो हल हो गया प्रैक्टिस करने से, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक ऐसी फील्ड है जिसे याद नहीं किया जा सकता, ये आपको ना जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार तो ये जहन में बैठ जाती है। इसकी मिसाल ना ऐसे दे सकते हैं कि जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें चीज ना याद नहीं करनी पड़ती, सूरत है ना सूरतुर रहमान, सूरतुल फातिहा, वो खुद ब खुद जहन में चल रही होती है, जुबान पे रमा है, क्योंकि हमने दिन में 5 दफा उसको पढ़ना है। इसी तरह ये भी चीज है, ये प्रैक्टिस से सिर्फ आती है, अगर इनपुट का टैग है या फिर कोई भी टैग है ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, और इसका फायदा जो मुझे हुआ है ना सबसे ज्यादा है HTML CSS सीखने का। अगर मैंने किसी भी वेबसाइट पे जाना है ना, बेसिकली मैं ना अगर एक वेबसाइट है, मुझे ना एक सबसे पहला जरा पहला तो नहीं, मैं अगर तीसरा की चौथा प्रोजेक्ट था सॉफ्टवेयर उस वाले ने दिया था, उसमें ना वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट था जिसमें कि ना मुझे एक इमेज लगी उसके ऊपर प्ले का बटन आ, मैंने ना बहुत सर्च किया, मुझे समझ ना आया कि वो प्ले का बटन कैसे आ सकता है। मैंने ना सर से भी पूछा, हमारे साथ तो वैसे ही ऐसे कोई वो बताने वाले नहीं थे, उन्होंने के पीछे पढ़ पढ़ के भी ना उन्होंने कुछ नहीं बताना, और यकीन करें कि मैं 2 हफ्ते नशा किया और उन्होंने मुझे ना कॉल करके बुलाया, वर्डप्रेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि जो चीज आसान होती है ना वो करने में और ज्यादा मजा आता है, क्योंकि हो जाती है जी, वर्डप्रेस में बड़ा शौक था, तो उन्होंने मुझे 2 हफ्ते बाद फोन किया
क्या अभी क्लास है आप पहुंचे? मैंने कहा इनको कैसे मेरी याद आ गई, पहले तो कभी नहीं याद किया। और जब मैं पहुंचा उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट आया हुआ है, इस पे काम करें। अब दो लड़कों को हमें लगाया, हम सीख रहे थे दोनों दोनों को लगा दिया उन्होंने। अब सारा पेज मैंने वर्डप्रेस में डेवलप कर दिया, मुझे वो ना समझ आया कि इस पे ये जो प्ले का बटन है ये कैसे आ रहा है। जैसे ही मैं वीडियो लगाऊंगा उस पर क्लिक करें ना, तो वीडियो प्ले हो जाती थी और वो तस्वीर गायब हो जाती थी। अब मैंने क्योंकि कोड के जरिए किया हुआ था, मुझे समझ नहीं थी आ रही कैसे, तो मैंने क्या किया, ऊपर वीडियो लगाई, बैकएंड पे बल्कि वीडियो लगा दी, उसके बैकग्राउंड पे फ्रंट एंड पे इमेज लगा के उस इमेज के ना बिल्कुल नीचे एक प्ले बटन अटैच करके उसको माइनस में पैडिंग दे के ऊपर ले गया और सेंटर लाइन कर दिया। लेकिन वो बना दे, बाद में मैंने सबमिट करवा दिया क्योंकि बाद में अगर नहीं भी चला तो वो तो उनका ही होगा, लेकिन मैंने इसको परफॉर्म किया। अब वो हमारे पास कैसे आता है, हमारे पास एक पीडीएफ फाइल बनी होती है सारी, उसमें उन्होंने ना पूरी वेबसाइट का डिजाइन दिया हुआ था कि इस तरह करना है। तो उनके लिहाज से उन्होंने ऐसे लिखा हुआ था कि अगर वो प्ले का बटन बना हुआ ना, उसमें क्लिक करने से वो वीडियो प्ले होगी, लेकिन वो जो इमेज थी ना वो एज ए थंबनेल थी, जबकि हम यूट्यूब की जब लगाते हैं ना उस पर यूट्यूब का बटन बनाता है, जबकि उन्हें यूट्यूब का नहीं था चाहिए, उन्हें सिंपल बटन चाहिए था। और वर्डप्रेस में ये बड़ा ईजी है, जब हम वीडियो का टैग लगाते हैं ना उसमें एक थंबनेल का ऑप्शन होता है, जैसे हम थंबनेल अटैच करते हैं कस्टम थंबनेल, तो वो बटन खुद ब खुद आ जाता है, जबकि जब कस्टम में जाते हैं ना तो फिर हमें अटैच करनी पड़ती हैं चीज़ें, कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक को ऑन क्लिक एक फंक्शन होता है बटन का ना फंक्शन होता है ऑन क्लिक, वो परफॉर्म करता है जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को, वो भी इसका एट्रीब्यूट है। ये इसके सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट पे अप्लाई होते हैं, कि अगर इसको कोई कैंसिल करता है, प्ले करता है, क्लोज करता है, ऑन क्लिक करता है, कि अगर ये कोई करे, अगर यहाँ पे क्लिक करूँ ना, तो यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का नाम लिखना होता है। और जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कहाँ पे आता है, बॉडी के क्लोजिंग टैग के बिल्कुल ऊपर, हम वो फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। यह है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, हम यहाँ पे उसका टैग ऐड करते हैं, उसमें उसको फंक्शन ऐड करते हैं, तो उस फंक्शन को रिलेट करते हैं उसके साथ, तो जैसे ही क्लिक होगा ये फंक्शन परफॉर्म होगा। इस तरह के ना वो डब्ल्यूसी स्कूल पे डमी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स ना बने हुए हैं, लेकिन ये अभी जावास्क्रिप्ट ने हमने करनी है। जावास्क्रिप्ट कह लें कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली और सबसे मुश्किल वेबसाइट है, वो लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें लॉजिक्स इस्तेमाल होती है। ये ऐसे ही जैसे सी हैश है, उसमें क्या होता है कि हम लॉजिक क्रिएट करते हैं इफ एल्स से, आपने ना सोचना होता है कि अगर ये परफॉर्म हो तो ये हो, ये परफॉर्म हो तो ये हो, हमने हर उस कंडीशन को देखना होता है कि अगर यूज़र हमारी वेबसाइट पे आके कोई काम कर रहा है तो उसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं और उस आउटकम पे आगे यूज़र को क्या शो होगा, ये इफ एल्स की स्टेटमेंट लगती है, जो सारा लॉजिक काम होता है। लॉजिक काम हमने लॉजिक जनरेट करनी होती है, कि अगर हमने ना एक तरह से उसको सेल्फ सफिशिएंट करना है, कि अगर हम तो तब वहां पे नहीं होंगे, सारा कोड ने ही काम करना है, तो कोड ने सोचना है कि अगर यूजर ने ये काम किया है तो इस पे मैंने ये करना है, अगर वो ये नहीं ये कर रहा है तो उस पे मैंने ये करना है, ये सारा जावास्क्रिप्ट करती है। जबकि सी एस एल में क्या है, लोड हो गया हर चीज होगी, यूजर के इंटरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। यूजर की जब इंट्रैक्शन होती है ना, तो उसके लिहाज से हमारे कोड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो फिर जावास्क्रिप्ट से करने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही वो डिफाइन करेगा, हमने डिफाइन कर देनी है, हमारे पास डिफरेंट जावास्क्रिप्ट ने हम ना यहाँ पे अगर कोई पी टैग लगा के लिस्ट परफॉर्म कर ओएल या एलआई लगा के हम लिस्ट दे देते हैं उसको, लेकिन फ्रंट एंड पे उसको शो नहीं करवाते हैं, हम क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट के जरिए इसे गेट डॉक्यूमेंट बाय आईडी के जरिए से उसको एक्सेस करते हैं और उसको ऐड कर देते हैं दूसरे टैग के अंदर जो कि हमारे पास शो हो रहा है। ऐसा आपने उन पे देखा होगा जो कि सब्सक्रिप्शन वेबसाइट्स होती हैं, जिनमें अगर आपने किसी की सब्सक्रिप्शन ली हो ना वेबसाइट पे, तो
ऐसा होता है जब हम अपना नाम फोन नंबर ऐड करके नेक्स्ट जाते हैं ना, वो सारी डिटेल आगे शो हो रही होती है। वैसे वो क्या कहता है, हमने जो ऐड किया है ना वो नेक्स्ट पेज पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब उन्होंने क्या वहां पे सिंपल खाली पी टैग लगाया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, बैकएंड से वो डेटा सारा गेट डॉक्यूमेंट बाय आईडी कर रहे हैं, सारा डेटा वहां से ले रहे हैं और पुटअप कर रहे हैं उस पी टैग में। ये जो काम है ना ये जावास्क्रिप्ट का है, ये एचटीएमएल नहीं कर सकती। डेटा को वेबसाइट के अंदर अंदर हैंडल करना, लॉजिक बनाना, ये जावास्क्रिप्ट करती है। बैकएंड से उस डेटा को सेव करवाना, आपने अगर नेक्स्ट किया, आप चेकआउट करते हैं मिसाल के तौर पर, आप अपना चेकआउट का फॉर्म फिलअप करते हैं, नेक्स्ट ऐप पे जाते हैं, आपको सारा कंटेंट आपका डिटेल सारी शो हो रही है। लेकिन अगर आप उस टैब को बंद कर देंगे ना वो डिलीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ब्राउजर सेव्ड है, वो जावास्क्रिप्ट ने उसको उठा तो लिया है लेकिन अभी बैकएंड पे भेजा नहीं है। वो तब भेजना है जब एंड पे चेकआउट पे बटन पे क्लिक करने के बाद पीएचपी ने रन होना, पीएचपी ने वो डाटा स्टोर करवाना है बैकएंड पे, वो एंड पे होता है। ओके, तो पीएचपी पे तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हमारे जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे। और अगर हमें यही ना पता हो एंड पे हमने क्लिक करके सेव करवाना है तो भी हमारे ऑर्डर में हमने क्या क्या चीजें फिलअप की हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट से हमें यूजर को बताएंगे कि ये यूज तब होता है हमारे पास में जब फॉर्म लेते हैं फेसबुक से। दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक मोर वॉल्यूम और एक हायर इंटेंट। ये इसका मकसद ये होता है कि मोर वॉल्यूम में स्टेप्स कम कर देते हैं, ये एक स्टेप पे इजाफी होता है कि आपको पिछला ही डाटा दोबारा दिखाया जा रहा है कंफर्मेशन के लिए कि आपने जो फिलअप किया था क्या ये भाई सही है। ये एक इजाफी स्टेप है। किस लिए? मोर इंटेंट, यानी कि यूजर जो मोर विलिंग होगा ना कि वो करना चाह रहा है, उसे हम दोबारा कंफर्म करेंगे कि क्या उसने डिटेल जो दी थी वो सही थी। उसके बाद आ जाता है मोर वॉल्यूम, कि हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। अब जितने कम स्टेप्स हम ऐड करेंगे ना उतने ज्यादा यूजर्स हमारे पास आएंगे। तो अगर हम आपने हमारा भी फॉर्म अगर फिलअप किया ना वो मोर वॉल्यूम पे चलता है ज्यादातर। लोग क्या करते हैं क्योंकि आपकी जो डिटेल्स होती है ना वो ऑटो फिलअप होती है, मोर इंटेंट तब यूज होता है जब यूजर अपना डाटा खुद ऐड करता है। तो इसमें ना एक फंक्शन होता है ऑटो कंप्लीट का भी, कि अगर हमने मिसाल के तौर पर फॉर्म में अगर कुछ भी यूजर ने एंटर किया उसके बाद वो उसको रिफ्रेश नहीं करता सिर्फ सबमिट करता है, तो फॉर्म दोबारा से उसका डेटा खुद ब खुद फिलअप कर देता है। ये एक फॉर्म का फंक्शन होता है ऑटो कंप्लीट का। अब ये सिर्फ और सिर्फ ना आपके इस तरह ना इसके एट्रीब्यूट निकलते ही जा रहे हैं, एट्रीब्यूट्स के कभी खत्म नहीं होने, क्योंकि वेब डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है प्रोग्रामिंग जिसमें कि जिस भी चीज को आप लेके चलेंगे ना आगे उसमें वेरिएशन हद से ज्यादा है, फॉर्म्स हद से ज्यादा है। आप सिर्फ एक वो स्लाइडर बनाना चाहें ना, स्लाइडर हमारे पास 50 बन सकते हैं। हम क्या करते हैं, मेरी जो आदत है ना, मैं कोड अगर करना हो ना कोड के ना टूल्स होते हैं कहते हैं विजुअल टू कोड्स, हम क्या कहते हैं ड्रैगन ड्रॉप वेबसाइट क्रिएट करके उसको कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि वो तब यूज होते हैं जब आपको पता हो जो कोड जनरेट होता है वो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना कोड लिखना इतना मुश्किल नहीं है जितना दूसरों के कोड को मॉडिफाई करना, क्योंकि तो उसको हमें समझना पड़ेगा कि कोड क्या लिखा हुआ है। तो आपने वो बिगिनर टेम्पलेट्स, मैंने ना कहा था कि आपने उनका बैकएंड नहीं देखना, कोड नहीं देखना, उसको खुद परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। तो सिर्फ वो टेम्पलेट्स आप कंप्लीट कर लें। इस हफ्ते हमने ना ये चीजें कंप्लीट करनी है, उसके बाद हमने सीएसएस पे मूव ऑन करना है, जो सीएसएस परफॉर्म करनी है सर। एचटीएमएल के जितने भी टैग्स हैं ये खाली टैग्स हैं, इनके अब वो एट्रीब्यूट गिनती के कुछ हैं जो कि हमने यूज है, 2-3 एट्रीब्यूट्स होते हैं हर एक के, सिर्फ वही यूज होने हैं, ज्यादातर तो यूज ही नहीं होते हैं। और ये जो हमारे पैकेजेस हैं ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है कि हमें खुद ऑटो जनरेट कर देता है। लेकिन ये याद होना चाहिए कि नेम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, आईडी आ रहा है तो क्यों आ रहा है, फाइल लिखा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, वजह हमें पता होनी चाहिए कि लिखा हुआ है तो क्यों लिखा हुआ। और आप दोनों के पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास लैपटॉप है?
चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये है, मैं ना अब रेगुलरली ईमेल चेक करूंगा। आप लोगों ने जो भी टेम्पलेट क्रिएट करनी है ना, उसका कोड मुझे ईमेल कर देना है। आपके पास, सबके पास ईमेल है मेरा, फैसल एट ये अभी आपके को। चले शेयर कर दीजिएगा, वो मैं देख लूंगा। लेकिन इसका फायदा क्या होगा, देखिए हम कोई भी चीज ट्राई करते हैं ना, कभी भी शुरू में ही हमें परफेक्शन नहीं होती है। हम ट्राई करते हैं, गलतियां नहीं करते। हम विजुअली देख सकते हैं कि अगर मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था ना, मैं उसके मिसाल हमेशा इसलिए देता हूँ, विजुअली देखेंगे ना वो लगेगा सेम टू सेम डिटो कॉपी है, लेकिन उसको उसी पीसी से उठा के किसी और में चलाएंगे ना, वो गड़बड़ हो जाएगा सारा। क्योंकि मैंने अपने लैपटॉप के लिहाज से विजुअली उसके मार्जिन पैडिंग सेट करके हर चीज सेट कर दी है, उसकी कॉपी बना दी है, लेकिन वो सिर्फ अटैच है मेरे लैपटॉप के साथ, मेरी स्क्रीन के साथ वो अटैच है, दूसरी किसी स्क्रीन पे वो नहीं चलेगी। तो हमने क्या करना है, हमने क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी वेबसाइट जो है वो किस डिवाइस पे चलेगी, तो हमने सबकी डिवाइस के साथ मिल के चलाना है। तो इसलिए जब हम क्रिएट करते हैं ना, हो सकता है कि आपने अपने लैपटॉप के लिए क्रिएट की है, आपके सही चल पड़ी है, जब मैंने यहाँ पे ओपन किया तो वो नहीं सही चले। सर एक जी एक रिक्वेस्ट है सर, सर, रिक्वेस्ट ये है कि इन अगर मतलब मोर देन वन पेजेस हैं और उन एक फोल्डर बनाया हुआ है ना, उस जी उसमें इमेज का भी फोल्डर है, सब फोल्डर, जी तो अगर आपको जिप करके सेंड कर दिया जाए तो, जी जी बिल्कुल कर दें, कोई बात नहीं, जिप कर दें। और दूसरे नंबर पे ये फेविकॉन जो लगाना होता है उसके लिए मतलब उसका तरीका का थोड़ा सा बता दें। वैसे मैंने लगा तो लिया है, आपने चेक किया होगा मेरा पेज पे और साइट पे तो टाइटल के साथ। जी एक बार, मैंने आपका ना कुछ चेक नहीं किया। बेसिकली फेविकॉन जो है ना, वो इमेज ही लगाते हैं, सेम इमेज ही वो हेडर टैग में लगा देते हैं। ठीक है, मैं अगर आप स्क्रीन शेयर करें तो करने की मैं इजाज़त आपको दें। ना एक्सेस शेयर करता हूँ सर, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, सिर्फ ये क्लास ओवर होने लगी है, आप शेयर करें तो आने लगे। ये सर नहीं है, इनके भी मैंने फ्रीलांसिंग क्लास ली थी। ये सर शेयर करिएगा, शेयर होगा जी? जी ये सी का आपने लगाया हुआ, इसका पैकेट जी ओपन कीजिए। बिल्कुल। ये लगाया हुआ जी। अब इसमें ना जो फेविकॉन लगता है वो हेडर टैग, इसमें ना हम दो तरह से फेविकॉन लगा सकते हैं, एक है सिंपल आइकन के तौर पर भी, और इसमें जो हमारा फेविकॉन होता है वो इमेज भी हो सकता है, वो आईसीओ एक टाइप होती है फेविकॉन की। ये बेसिकली ना मैं चाह रहा था सर कि जब हम एक्सटर्नल में जाए ना, ये फेविकॉन क्योंकि वेबसाइट क्रिएशन के बाद लगाया जाता है, जब हम वेबसाइट को मैनेज कर लेते हैं उसके बाद ये फेविकॉन ना एंड वाले मरहले में आता है। तो फेविकॉन जो बेसिकली हम लगाते हैं ना, वो दो तरह से लगा सकते हैं, एक है आईसीओ टाइप में डॉट आईसीओ, एक इमेज, इमेज में जेपेग भी हो सकता है, पीएनजी भी हो सकता है, कोई भी फाइल टाइप यूज करने, हमने उसका रिलेशन क्रिएट करके आइकन के साथ, उसमें हमने वो इमेज लगती है हेडर टैग में, फेविकॉन लगता है हेडर टैग में। ठीक है, और उसका लोकेशन हमने एचआरएफ की तरह ही देना होता है। ये अगर आप ये लिंक देख रहे हैं, ये लिंक हमने एक्सटर्नल जब सीएसएस करनी थी, एक्सटर्नल फाइल्स क्रिएट करनी थी ना, हमने ये तब ऐड करनी थी, लिंक्स लिंक्स तब ऐड करते हैं जब हम एक्सटर्नल चीजों को अटैच करते हैं। मैं सोच रहा था कि हम तब इसको करेंगे, लेकिन सर ने ऐड कर दिया है। ये लिंक्स हम तब ऐड करते हैं जब हम एक्सटर्नल फाइल्स
इमेजेस को अटैच करते हैं हम, वैसे इमेज फाइल में तो अटैच करते हैं, उसमें हमने सिर्फ उसका एड्रेस देना होता है, लेकिन ये जो हम हेडर में लगाते हैं ना, ये एज ए लिंक लगाते हैं हम, एज ए फाइल हम ऐड नहीं करते इसको। इमेज भी लगा रहे हैं ना तो उसको एज ए इमेज फाइल लगा रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं। जो भी हेडर टैग में आएगा वो सबसे पहले लोड होगा। हेडर टैग में जो भी चीज है वो हम क्यों लगाते हैं, वो प्री लोडेड हो हमारी वेबसाइट से, लोड होने कंटेंट लोड होने से पहले वो हमें प्री लोडेड चाहिए। अगर हमने कोई भी फेविकॉन या कोई भी आइकन लगाया होगा ना, तो हमारे पास ना गूगल आइकन होते हैं, डिफरेंट आइकन साइट्स होते हैं जिनके आइकन हम अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं, तो उनकी जो लाइब्रेरीज हैं वो हम हेडर टैग में ऐड करते हैं। बूटस्ट्रैप करते हैं तो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी हम हेडर टैग में ऐड करके फिर उसके टैग्स को यूज करते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास खत्म करते हैं, मेरी नेक्स्ट क्लास है एक। आपने सिर्फ प्रैक्टिस करके मेरे ईमेल पे शेयर कर देनी है और हम उसको डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस कौन सी चीज की है सर आज? सर हमने ना HTML के जितने भी टैग्स हैं जी, उनको बिगिनर टेम्पलेट्स है W3 स्कूल पे पढ़ी हुई उनमें यूज करना है, उनका कोड नहीं देखना क्योंकि वो टेम्पलेट्स बिगिनर्स के लिए ट्राई करने के लिए बनी हुई है कि बिगिनर्स उसको यूज कर सकें और उसकी तरह की कॉपी क्रिएट कर सकें। तो वो है HTML से ही रिलेटेड है या उसमें CSS भी? HTML CSS अच्छा इनलाइन है सर, जी, ठीक हो गया जी। इनलाइन है लेकिन या इंटरनल है जो कि हमने किया हुआ, एक्सटर्नल अभी नहीं करनी, वो सारी बिगनर्स हैं। क्योंकि अभी CSS बाकायदा स्टार्ट नहीं हुई, तो इस वजह से मैं जी, पूछ रहा था कि वो सिर्फ सिंपल सिंपल आपने करनी है, ज्यादा नहीं है। उसमें क्या हो सकता है कि सेंटर अलाइनमेंट हो सकती है, कलर चेंज है, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज हो सकता है, या फिर उसमें वो बॉर्डर दिया हो सकता है, बॉर्डर रेडियस दिया हो सकता है, जो कि हमने किया हुआ है। ठीक हो गया जी। और ये गूगल करना है आपने W3 बिगिनर्स स्कूल्स टेम्पलेट जी? HTML बिगिनर टेम्पलेट्स W3 स्कोर। ठीक हो गया सर, ठीक है ओके जी। सर, थैंक यू ओके वेरी सर, मच, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज।